Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Jha and in today's video I am going to discuss about working stress method, ultimate load method and limit state method. इन तीनों के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे WSM, LSM ये क्या होते हैं, ये कब यूज़ में आए और कहाँ यूज़ में आए, इन इसके बारे में हम आज की इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे और WSM एंड LSM के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे. तो जो WSM है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, वो 1900 में आया. ये फर्स्ट मेथड है जो कि डिज़ाइन किया गया था बेस्ड ऑन लीनियर इलास्टिक और द क्लासिक इलास्टिक थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के हिसाब से एक मटेरियल का ओनली इलास्टिक रीजन जो होता है वो कंसीडर किया जाता है. जब हम इसकी स्ट्रेंथ करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ हमारा इलास्टिक रीजन कंसीडर किया जाता है. व्हाई? बिकॉज व्हेन वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ मटेरियल्स, तो हम उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन के लिए वुड, कंक्रीट, स्टोन्स ये सब यूज़ करते थे जो कि ब्रिटल होते थे नेचर में, जिसकी वजह से जैसे ही मटेरियल पे कोई भी स्ट्रेस आता था बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट मटेरियल, ये तुरंत ही फेल कर जाता था, तुरंत ही टूट जाता था. फिर RCC रीइंफोर्स्ड कंक्रीट आया 1905 में, बट मेन प्रॉब्लम ये थी कि कंक्रीट एंड स्टील को साथ में हम यूज़ कैसे करेंगे, बिकॉज इन दोनों मटेरियल्स की, मीन्स कंक्रीट एंड स्टील की, इन दोनों मटेरियल्स की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट है. स्टील की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो है 200 GPa एंड कंक्रीट की 5000√FCK. FCK क्या होता है? हमारा करेक्टरिस्टिक मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. तो अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे साथ में, क्योंकि इन दोनों का ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग है. तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी यूज़ मॉडुलर रेशियो. मॉडुलर रेशियो क्या होता है? ये रेशियो होता है मॉडुलस ऑफ स्ट्रॉन्गर मटेरियल टू द मॉडुलस ऑफ रिलेटिवली वीक मटेरियल. बट इसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू ES/EC. पहले हमारा स्टील, मतलब मॉडुलस ऑफ जो स्ट्रॉन्गर मटेरियल है उसका हमें वो उसका और वीक मटेरियल का रेशियो. बट दिस वॉज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एज EC जो है वो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ कंक्रीट है, जो कि जैसे जैसे कंक्रीट की एज चेंज होगी वैसे वैसे EC भी चेंज होगा, मॉडुलस ऑफ कंक्रीट भी डिफरेंट होता रहेगा, चेंज होता रहेगा. एंड इट ऑल्सो डज नॉट टेक इन टू द अकाउंट इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज, क्रीप एंड अदर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन कंक्रीट. तो जो करेक्ट इक्वेशन है मॉडुलर इक्वेशन का वो IS 456 section B 2.1.2 में दिया है. दैट इज m इज इक्वल टू 280/3σ CBC. σ CBC हमारा होता है परमिसिबल स्ट्रेस एंड CBC हमारा होता है कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन. सो इफ आई टेक m20 कंक्रीट, m20 ग्रेड का अगर मैं कंक्रीट लेती हूँ तो इसका σ CBC वैल्यू 7 होगा. ये कैसे आया 7 वैल्यू, मैंने कैसे बताया कि 7 वैल्यू है? तो जो 20 है, मीन्स जो m20 ग्रेड है, तो इस 20 जो है इसका ग्रेड जो है, इसको हमने कंक्रीट के फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 होती है WSM में, उससे हमने डिवाइड कर दिया. ये सेम ऑपरेशन से हम अलग अलग ग्रेड की कंक्रीट की σ CBC वैल्यू निकाल सकते हैं. जैसे कि हमने M20 का भी निकाला σ CBC 7, वैसे हम M25 का निकालेंगे तो 25/3 कर देंगे, ठीक है. ऐसे हम अलग अलग ग्रेड का निकाल सकते हैं. तो M25 के लिए σ CBC हो जाएगा 8.5, M30 ग्रेड के लिए हो जाएगा σ CBC 10, M35 ग्रेड के लिए हो जाएगा σ CBC 11.5, M40 ग्रेड के लिए हो जाएगा σ CBC 13. बट इस फॉर्मूला में भी हम पे पार्शियली हम अकाउंट में लेते थे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इन कंक्रीट. ऑल्सो जो टोटल स्ट्रेंथ है सेक्शन की वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होती, एज ओनली हम इलास्टिक रीजन को ही कंसिडर करते हैं इसमें. दैट मीन्स वी हैड नो आइडिया ऑफ द कर्व बियॉन्ड इट्स इलास्टिक रीजन. दैट्स वाई इसके बाद एक न्यू मेथड आया, न्यू डिज़ाइन मेथड ऑफ डिज़ाइन आया, दैट इज़ अल्टीमेट लोड मेथड. तो अल्टीमेट लोड मेथड जो है वो 1950 में आया एज एन अल्टरनेटिव टू WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, एंड वॉज सीन इम्प्लीमेंटेड इन द ACI कोड इन 1956, ब्रिटिश कोड में ये 1957 में आया एंड इंडियन कोड में 1964. इस मेथड में अनलाइक WSM, जहाँ स्ट्रक्चर को कंसीडर नहीं किया जाता था फॉर सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया एज द सेक्शन वेयर वर टू हैवी टू डिफ्लेक्ट, इस मेथड में रिलाय करते थे हम मोर ऑन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. जहाँ वो करता था किसी भी सेक्शन को, स्ट्रेन को, इट्स अल्टीमेट लेवल तक.
तो जो सेक्शन डिज़ाइन किए गए थे यूजिंग अल्टीमेट लोड मेथड, उसमें लार्ज पार्ट ऑफ प्लास्टिक रीजन में भी देखने को मिलता था हमें मटेरियल्स का। तो मेंबर का जो हमें वो प्लास्टिक रिसर्च प्लास्टिक रीजन में जो हमें ज़्यादा देखने को मिला, विच रिजल्ट्स इन वेरी थिन एंड सिलेंडर सेक्शन। अब तक ये इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम थी WSM में उसको सॉल्व कर रहा था, बट द स्ट्रेंथ ऑफ ULM ऑल्सो प्रूव टू बी इट्स वीकनेस, बिकॉज ज़्यादा स्ट्रेंथ प्लास्टिक रीजन से आ रहा था मटेरियल्स का, जिसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा था एंड लो लोड्स में भी क्रैक्स देखने को हमें मिल रहे थे, जिसकी वजह से जो लाइफ है डिज़ाइन स्ट्रक्चर की वो बहुत कम हो जाती थी। इसके बाद इन दोनों को देखते हुए एक मेथड आया LSM, लिमिट स्टेट मेथड, जो कि रिप्रेजेंट करता है सेफ्टी एट अल्टीमेट लोड्स एंड सर्विसिबिलिटी एट वर्किंग लोड्स। जैसा कि WSM में जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड था उसमें सर्विस लोड कंडीशन बेस्ड था वो, एंड जो हमारा अल्टीमेट लोड कंडीशन था वो अल्टीमेट जो ULM था अल्टीमेट लोड मेथड वो हमारा अल्टीमेट लोड कंडीशन पे बेस्ड था बस। बट जो ये LSM आया ये दोनों के ऊपर सेफ्टी एंड अल्टीमेट लोड्स एंड सर्विस एट अल्टीमेट लोड्स एंड सर्विसिबिलिटी एट वर्किंग लोड्स कंडीशन ये दोनों के ऊपर बेस्ड था। ये इंट्रोड्यूस हुआ ब्रिटिश स्टेट में ब्रिटिश कोड में 1973 में, यूनाइटेड स्टेट में 1971 में एंड इंडियन कोड में 1978 में। इस मेथड में LSM में दो प्रिंसिपल्स होते हैं लिमिट स्टेट के। फर्स्ट लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो है वो डील करता है फ्लेक्सर, कंप्रेशन, शीयर और टॉर्शन से। सेकंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, ये डील करता है डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग एंड वाइब्रेशन से। तो ये दो मेन प्रिंसिपल हैं, इसको आप याद रखिएगा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। सो दिस वॉज अ फर्स्ट मेथड जो कि डिफरेंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी देता था डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के लिए, एज वेल एज डिफरेंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी देता था डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग के लिए। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर हम लोडिंग के लिए देखें, तो जैसे अगर हमारा लाइव लोड होता है तो उसके लिए हम 1.5 लेते हैं, डेड लोड के लिए 1.2। व्हेन वी टॉक अबाउट मटेरियल्स, तो स्टील को हम पार्शियल FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं 1.15 यूज़ करते हैं, बिकॉज ये कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्रीज में विद हाई क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रिसीजन। एंड कंक्रीट का FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 होता है। नाउ इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है LSM और WSM के बीच में? तो लिमिट स्टेट मेथड जो है ये इकोनॉमिकल सेक्शंस के लिए है, WSM में अन इकोनॉमिकल सेक्शन बनते थे। LSM का जो है वो कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा और कॉम्प्लेक्स है, लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं। WSM के जो कैलकुलेशंस हैं वो शॉर्टर एंड सिंपल हैं। जो LSM है वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, दैट मीन्स इसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच भी कह सकते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी इसको हम बोल सकते हैं। एंड जो WSM है वो हमारा एक्चुअल लोड समय उसमें पता रहते थे, तो इसको हम डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं। हम आजकल मतलब अगर आप किसी बुक में देखेंगे तो बोला जाता है कि WSM जो है वो ऑब्सोलीट हो गया है, मीन्स वो खोता जा रहा है, वो बहुत पुराना मेथड हो गया है, अब LSM ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। अभी जैसे कि डैम वगैरह यूज़ करते हैं हम, बनाते हैं हम, तो वहाँ पे हमारा आज भी WSM ही यूज हो रहा है। तो ये डिफरेंस था LSM एंड WSM के बीच का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।